हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फर्रुख मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अभी की जो हमारी वीडियो है ये एक रिएक्शन की वीडियो, फनी वीडियो की रिएक्शन वीडियो। और इस वीडियो का नेम है इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, और ये म्यूजिकली ले है। और इसकी जो फनी वीडियो बनाई है इस हवाले से वो रेओ ने बनाई है। पहले हम देखेंगे ये वीडियो और इससे मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यूज वीडियो के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम ये वीडियो और इससे मेरा रिएक्शन। जगह छाया हुआ है ये। जैसे तुम लोग बढ़िया चल रहा होगा यार। कल जब मैं स्कूल से आया ना और मैंने अपना इंस्टा चेक किया तो वहाँ पर मुझे ये जुड़ाव मिला। थोड़ी सी भी कोशिश न की तुमने, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ज़्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। और फिर जब तंग आके मैंने फेसबुक खोला ना तो वहाँ पर भी मुझे यही चीज मिली। और फिर उसके बाद जब मैंने अपना मनपसंद प्लेटफॉर्म YouTube खोला ना तो वहाँ पर भी मुझे यही चीज मिली। और म्यूजिकली जैसे ऐप तो मैं अपने मोबाइल में रखता ही हूँ, क्योंकि मैं उन चुमिंदा बेगैर की चुदाब के लोगों में शामिल नहीं होना चाहता। तो जितनी भी जनता मुझे इस वीडियो के जरिए सुन रही है, मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। कहाँ से आए, इनका मकसद क्या है? क्या ये शक्तिमान की किडनी बेचकर अमीर होना चाहते हैं, या फिर 300 करोड़ का घोटाला करके जेठालाल जैसे सेनोरिटा आइलैंड भागना चाह रहे हैं? देखो तुम लोग मानो ना मानो, मकसद कुछ भी हो लेकिन इरादे और इशारे बड़े बुरे हैं। तो चलो यार हम लोग भी देखते हैं कि आखिर क्या जहर है इस म्यूजिकली के नए ट्रेंड में। तो आओ यार ऊर्जा से भरे इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। बस तो एक्साइटमेंट लेवल धरती के वायुमंडल को चीरते हुए सूरज की ओर जा रहा है। इसमें तेरा घाटा। अरे यार मर्दों का तो चलता है, लेकिन भारतीय नारियों को ऐसे इशारे नहीं करना चाहिए। मुझे पता फेमिनिज्म वाले अपनी गाने जरूर आएंगे, लेकिन यार एक बार बात को समझो तो सही। देखो मर्द जात तो ऐसे इशारे करने के लिए पहले से ही बदनाम है, और यार इन लोगों ने तो शर्म बेच के ही खा ली है। लेकिन यार तुम लोग सोचो अगर लड़के ऐसे काम करने लग जाएंगे तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तुम अच्छे से गणित लगा सकते हो। अरे बेंची जाता हो या नहीं जाता हो उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये क्या है यार, कहाँ गए वो लोग जो नारियों को प्रेरणा देते हैं? मर्दों से आगे निकलो। देखो पढ़ाई लिखाई और बाकी चीजों में तो ठीक है, लेकिन कुछ और भी चीजों में ज्यादा ही आगे निकल रही है हमारी नारियां भी। क्या बात है जी, इस लड़की को देखना जरा, एक्साइटेड तो इतनी हो रही है जितना मंजूर खट्टा भी नहीं होता जॉनी सिंस के नुन्नू को देख कर। हाँ कौन सा कितना शरारती सब दिख रहा है मुझे खेलते देख के। और ये बाकी तीनों को देख लो, हाथ तो ऐसे हिला रही जैसे कोई चंदा मांगने आ गया और उसे मना कर रही है। और हाँ अब इन चारों का बायोडेटा जान लेते हैं, तो यार मैं कैसे बता सकता हूँ, गूगल पे सर्च कर लो। सही बात, ये तो कमाल ही हो गया। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि म्यूजिकली वालों थोड़ा कम कैंसर फैलाओ, क्योंकि कैंसर का परमानेंट इलाज 2050 तक पॉसिबल होगा, अभी नहीं। तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर पसंद आई तो लाइक का तूफान और शेयर करो, और अगर भूकंप चाहिए तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। क्या बात है, कमाल हो गया, सुपर, वाओ, क्लास, आउटस्टैंडिंग। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और उससे मेरा रिएक्शन। अब हम बात करेंगे आपसे इसी वीडियो के हवाले से, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल की थी, इंटरेस्टिंग थी और अट्रैक्टिव तो बेतहाशा थी। और आजकल जो ये टॉपिक चला हुआ है, ट्रेंडिंग पे ये टॉपिक चल रहा है, जो कि आप लोगों को पता ही होगा, म्यूजिकल ले के हवाले से जो ये वीडियो फेमस हुई है, वायरल हुई है, इसी के बारे में हर कोई बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। बहुत ही कमाल की ये वीडियो है, काफ़ी यूनिक और हटकर है। और उसके ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो लोग वीडियोस बना रहे हैं उनके ऊपर रिएक्शन वीडियोस मैं बना रहा हूँ और अपनी राय से आगाह कर रहा हूँ और अपनी ओपिनियन भी दे रहा हूँ और उन पर रिएक्शन भी दे रहा हूँ। और मैं भी काफ़ी भरपूर एंजॉय कर रहा हूँ और मतलब एक तरह से एंटरटेन हो रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ चल रही होती है उसका भरपूर एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि बाद में वो कहाँ चले जाती है पता भी नहीं चलता। और इसका जो मतलब म्यूजिकली ले इसके ऊपर ही मैंने अलग से एक रिएक्शन वीडियो बनाई, जिसमें मैंने काफ़ी इसी हवाले से बात वगैरह डिटेल में किए, लेकिन अभी जो मतलब मैं जो भी मतलब जिस किसी भी वीडियोस देख रहा हूँ इस हवाले से, तो मैं उसी के टॉपिक के मतलब उन्हीं वीडियो के हवाले से उस वीडियो में बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैं इस वीडियो को मैंने देखा तो मैं आपसे इसी वीडियो के हवाले से बात करूँगा। वो ये कि काफ़ी अच्छी बनाई गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया, भरपूर किस्म की, बहुत ज़्यादा मैंने इन्जॉय की। और मतलब जो इसमें बातें वगैरह जोक्स वगैरह थे काफ़ी इंटरटेनिंग थे और एक तरह से भरपूर जम गई, इसे शानदार जानदार कहते हैं, बेहतरीन रुंदा किस्म की। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई और मैंने भरपूर इन्जॉय की और बहुत ही कमाल की ये वीडियो बनाई है रियो ने। और जो बातें वगैरह कही हैं वो तो बहुत ही कमाल की थी। और जिस हिसाब से इस वीडियो को पेश किया गया है, जो जो चीज़ें मतलब जो बताई गई हैं दिखाई गई हैं, बहुत मज़ा आया, मैंने भरपूर इन्जॉय की। कमाल ये एक तरह से मैं कहूँगा शॉर्ट सी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन इंटरटेनिंग थी और फुल ऑन थी, बिल्कुल एक कंप्लीट वीडियो की तरह, जो कि जानदार भी थी, शानदार भी, भरपूर कमाल ही हो गया। बहुत दिल खुश हुआ, मज़ा ही आ गया इसको देखने के बाद। और आई होप सो कि आप लोगों ने भरपूर इन्जॉय की होगी और मेरे साथ साथ, और क्योंकि है ही इतनी ज़बरदस्त वीडियो, बहुत अच्छे तरीके से बनाई है। वाह, वेरी नाइस, ऑसम। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और इस पर मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दी आपको शॉर्ट रिव्यू वीडियो के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में। हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतज़िर हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट and share my video. See you in next video. Take care. Thanks for watching.